गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, आज हम आपको कराएंगे चैप्टर 12। चैप्टर 12 आपका क्या है? मुहावरे। इसमें आप पढ़ेंगे मुहावरे। मुहावरे क्या है? मुहावरे स्वयं में एक वाक्य होते हैं जिनका शाब्दिक या सामान्य अर्थ न लगाकर एक विशेष अर्थ लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, पापड़ बेलना एक मुहावरा है। पापड़ बेलने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, इसलिए इसका अर्थ परिश्रम करना। इसलिए इसका अर्थ है परिश्रम करना। मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक हो जाती है। अब मुहावरे की आती है परिभाषा। वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें वाक्यांश कहते हैं। मुहावरा फर्स्ट है आपका, अंगंग ढीला होना। अंगंग ढीला होना का अर्थ होता है बहुत थक जाना। अब उसका वाक्य प्रयोग किया जाएगा, रात दिन काम करते करते मेरा अंगंग ढीला हो गया है। सेकेंड नंबर है अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा। इस बुढ़ापे में सौरभ ही मेरे लिए अंधे की लाठी है। थर्ड नंबर, आँखों का तारा होना बहुत प्यारा होना। आशीष अपने माता पिता की आँख का तारा है। अब आता है खा नंबर, उल्लू बनाना मूर्ख बनाना। शिखा को उल्लू बनाना कठिन नहीं है। नेक्स्ट है आपका कमर टूटना बहुत बड़ी मुसीबत आना। सर्वेश की मृत्यु से उनके परिवार की कमर टूट गई। काम तमाम करना मार डालना। भारतीय सेना ने शत्रुओं का काम तमाम कर दिया। गागर में सागर भरना थोड़े में अधिक करना। कबीर ने अपने दोहों में गागर में सागर को भर दिया है। एट नंबर, गले का हार होना बहुत प्रिय होना। सपना आजकल मनोज के गले का हार बनी हुई है। ओके स्टूडेंट, तो आपका मुहावरा हो गया फर्स्ट अंगंग ढीला होना, सेकेंड अंधे की लाठी होना,
थर्ड आँखों का तारा होना, फोर उल्लू बनाना, फाइव कमर टूटना, सिक्स काम तमाम करना और सेवन गागर में सागर भरना। ये सेवन मुहावरे आप हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक में लिखेंगे और हमें सेंड करेंगे। मुहावरा लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे और वाक्य में प्रयोग लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।